देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आपको एक कंफ्यूजन कहाँ आता होगा, अवतल दर्पण रहे या फिर उत्तल दर्पण रहे, नेगेटिव पॉजिटिव लेने में। तो अगर अवतल दर्पण रहे तो आपको u वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे दर्पण मेरा कोई भी रहे, अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, दोनों में नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण में v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, और उत्तल दर्पण में सिर्फ पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी f, अवतल दर्पण में नेगेटिव और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव। r वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण में नेगेटिव उत्तल दर्पण में पॉजिटिव। H, H क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, अवतल दर्पण में पॉजिटिव और उत्तल दर्पण में भी पॉजिटिव, ये दोनों में H क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। H डैश, अवतल दर्पण में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ पॉजिटिव होता है। H डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर इसको आप सही से नोट डाउन कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।